कहाँ भाग गई यार वो? यही कहीं छुपी होगी। तब फैक्ट्री की तरफ ढूंढते हैं। चल आजा, चल। अंदर से लॉक कर लिया। ठीक है, खोल वो लगा तो भागने दे। दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। खोल दरवाजा, खोल खोल। बम मिल जाता, मरने दो। स्पेशल तुम लोग, इसे चोट कैसे लगी? वो हमारा एक्सीडेंट हो गया। छोड़ दे इसे, बैठा बैठा गाड़ी, बैठा गाड़ी। सानिया, खुशी तुम लोगों के साथ ही ना, कहाँ है? आंटी हम लोग पार्टी से निकलने में तो लेट हो गए थे, कार में म्यूजिक बहुत लाउड थी और कार का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा तुम लोग आए किधर से? वाह, उस तरफ जंगल से। हमें उधर चलकर देखना होगा, हमें जल्दी करना होगा। चलिए चलिए, बैठो बैठो। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुशी यही कहीं। अरे क्या कर रही हो? अरे अमृता क्या कर रही हो? खुशी वहां आगे है। अमृता, अमृता तुम बताओ कि तुम क्या सुन? हेलो, अरे अमृता,
अरे क्या कर रही हो अमृता? अमृता, 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 तुम बताओ कि तुम कहां जा रही हो? अमृता, अमृता, विल यू लिसन? अमृता, क्या है वहां पे? अमृता, अमृता, विल यू टॉक टू मी प्लीज? कुछ बोलोगी प्लीज? करण, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुशी यही है। यही है अमृता, यहाँ को अमृता, चलो हमको खुशी को ढूंढा, वो लोग दूर निकल गए होंगे। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? अरे अमृता, बेटू, खुशी, अमृता कहाँ है? कहाँ है खुशी? कहाँ है खुशी? अमृता यहाँ खुशी नहीं है, हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुशी यहीं कहीं है। अमृता, ये तुम्हारा वहम है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम और चलो वापस। पुलिस वाले पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे। प्लीज मेरे लिए एक बार देख लेते प्लीज। खुशी, खुशी, बचाओ प्लीज, प्लीज हेल्प, बचाओ, खुशी, खुशी, खुशी। खुशी बेटा, धुआं कैसा है यहाँ पे? ये केमिकल फैक्ट्री है, कोई केमिकल होगा, चलो यहाँ से। कहीं खुशी अंदर तो नहीं है? कर खुशी, खुशी, खुशी बेटू, खुशी, 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 खुशी गुड़िया, खुशी बेटू, प्लीज प्लीज उठा, खुशी, 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 अंकुल बेटा, अंकुल बेटा, खुशी देख पापा यहाँ पे है, बेटू अंकुल, खुशी, खुशी बेटा आगे खोल, खुशी, हाँ 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 अच्छा, हाँ हाँ बेटू, पापा यहाँ पे, खुशी, पापा यहाँ पे बेटू, पापा यहाँ पे बैठो, पापा यहाँ पे, मेरा बच्चा, माँ सॉरी, पापा भी ओनली सॉरी, सॉरी मत बोल,
पता है मुझे कि मेरे छोटू सा बच्चा इतना ब्रेव था। अरे रब्बा, ऐनी सी बच्ची है ना, कुछ है? सोच के भी डर लग रहा है। हाँ बेबे, अगर खुशी को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ओए, अब ज्यादा फिल्मी ना बन। मतलब तूने जान लगा दी बच्चे को ढूंढने में। तेरे जैसी शेरनी माँ हो ना तो बच्चों को कुछ हो ही नहीं सकता। थक गई हूँ लड़ते लड़ते। बस अब अजी और इम्तिहान नहीं चाहिए, बहुत थक गई हूँ। ये तू कह रही है? जो सबको आंधी तूफान से लड़ने की हिम्मत देते हैं, जिंदगी का मजा खट्टे में है पुत्र। वो हार्ट बीट वाला मॉनिटर होता ना, लाइन कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है, वो जिंदा होने का एहसास है। एक बार सीधी लाइन आ जाए जिंदगी खत्म। सही कह रहे हो बेबे। हाँ सिंह साहब बोलिए। नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सिंह साहब, मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ। नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं 3 गुना सैलरी पे भी नहीं कर सकती हूँ सिंह साहब। नहीं, मैं मुस्कान में बहुत बिजी हूँ, पॉसिबल नहीं है, कितनी बार मना करूँ। आप ऐसे बार बार फोन मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मना करना। जी हाँ, सॉरी, नहीं हो पाएगा जी। थैंक यू, थैंक यू। भाई नौकरी के ऑफर आ रहे हैं। मुझे प्राइवेट नर्सिंग नहीं करनी है, मैं खुश हूँ यहाँ पर। कमाल के लोग होते हैं। क्या है ना, हीरे की कदर सबको होती है, बस कुछ ही लोग होते हैं डिंपल जैसे जिनके मोतियाबिंद होता है तो पता नहीं क्यों हाथ मुंह धो के तेरे पीछे पड़ी है। अच्छा है ना बेबे, इसी बहाने ठंड में हाथ मुंह तो धुल जाते हैं उसके। दीदी, डॉक्टर करण आपको रूम नंबर 214 में बुला रहे हैं। आती हूँ बेबा। अरे चाय पी ले तू। सोनलाल जी, आपकी तबीयत काफी खराब है। यू नो, इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल है। मैं तो अच्छा खासा भला चंगा हूँ, डेली 18 से 19 घंटा काम करता हूँ, खाना पीना सब टाइम से हो रहा है। हमको क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सोनलाल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपकी रिपोर्ट में लिखा है। एक्चुअली आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, विच मींस हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। अरे साहब, आप डॉक्टर लोग ना बहुत डराते हो। अरे छोड़िए, तरीका है। सोनलाल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी तबीयत बहुत खराब है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप तब मेरे पास आएंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी, एंड आई एम नॉट ओके विद दैट। मैं आपको इस हॉस्पिटल में रखूंगा अंडर ऑब्जर्वेशन, और अगर भगवान ने चाहा तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा, तब जा सकते। यहाँ रुकना पड़ेगा जी। नहीं भाई, हमारा एक एक मिनट कीमती है। इन्वेस्टर आए हैं कोलकाता से, उनसे क्या कहूँ कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आराम से हूँ, आप जाओ। ये देखिए, आप मुझे थोड़ा दवा सवा दे दीजिए, बस बहुत हो गया भैया। ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप यहां से जाइए, क्योंकि मैं आपको कोई दवा शवा नहीं देने वाला। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। लीव फ्रॉम हियर। अजीब डॉक्टर हो जी, गेट आउट आई सेड। ये भी कोई बात करने का तरीका है? अंकल, अंकल, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इधर देखिए, इधर देखिए, सालों से आपका परिवार मुस्कान हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है कि नहीं? हाँ। तो फिर हम भी आपका परिवार ही हुए,
और अपने परिवार वालों की बातों का कोई बुरा मानता है? आप ही के लिए कह रहे हैं ना ये। देखो जी सिस्टर दीदी, हमको तो ये मार्केटिंग ज्ञान दो मत, है ना? हमारे पास है नहीं टाइम, अब आगे बोल। सिर्फ 3 दिन की बात है अंकल, आपको काम करना है ना, तो आप यहाँ पर करिए ना, फोन पर, कॉन्फ्रेंस पर, हाँ हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे ब्लॉकेज की बात है ना, कहीं लगाओ स्टैंड और खेल खत्म करो। वाओ, ऑब्जर्वेशन का है, हाँ? अरे अंकल, बिना देखे बिना जाने कैसे इलाज कर सकते हैं आपका? आप अपना मत सोचिए, आंटी का सोचिए, बच्चों का सोचिए, जवाब तो हमें उन्हें देना पड़ेगा। पर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हमें लगा कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 दिन के पहले खत्म हो सकता है, तो हम आपको जल्दी जाएं। तो हमें आप फंसा रही हो सिस्टर दीदी। ये जो नए डॉक्टर है ना आपके, तो ज्यादा ही खून में गर्मी है, जरा संभाल के रखो। मेरे खून में गर्मी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं खुद आपका ध्यान रखूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का प्रॉब्लम। ठीक है, माता जी की कृपा से अब यही निपट जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल निपट जाएगा, यूं निपट जाएगा। आप यहीं बैठिए, मैं वार्ड बॉय को भेजती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक, इधर आ। ओ जो अमृता को भेजो अभी। ओके डिंपल मैम। दीदी डिंपल मैम आपको बुला रही। अब क्या हो गया उसे? अरे अभी अभी उनका फोन आया, कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज एक बार जाके मिल लो। जाते तुमने बुलाया? 1000 बार मना किया है तुम, पर तुम सुनोगी नहीं ना अमृता। मैंने क्या किया? तुम कहाँ कुछ कर, बस बोली बनने का नाटक करती हो। तुमसे करण को छोड़ा नहीं जाता ना अमृता। हाँ उसका भी न्यू ईयर खराब किया और मेरा भी। मैंने अपनी बेटी के गायब होने का नाटक करके पूरी रात करण के साथ गायब थी ना तुम। बकवास मत करो डिंपल। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? सब यही बोलते हैं अमृता कि जब से करण आया है तुम्हारी गाड़ी करण के बिना आगे ही नहीं बढ़ती। आई डोंट अंडरस्टैंड, अबला बेसहारा टाइप की तो तुम थी नहीं, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग के फिजूल को मैं खत्म नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। और रहा सवाल करण का, तो करण तुम्हें मुबारक। फिर भी मेरी मुबारकबाद लेने के लिए सबसे पहले तुम पहुंच जाती हो। कैसे कैसे करण पहुंच जाता है तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए? सवाल करण से पूछो ना। क्यों नहीं पूछ सकते? हाँ करण से कैसे पूछो, अगर उससे पूछोगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना उल्टा सोचता है।
प्लीज लीव हिम अलोन, अकेला छोड़ दो तुम करण को। मैंने करण को पकड़ा नहीं है, तुम चाहो तो तुम उसे बांध लो। क्या तुमसे बनता नहीं? ये तो तुम मुझे बताओगी ना अमृता, मर्दों को फांसना बांधना इन सब चीजों में तो तुम माहिर हो ना। टिपल! तो बांध दी है भगवान ने, दिमाग भी दिया है, अच्छा बोल नहीं सकती हो, अच्छा सोच नहीं सकती हो, तो कम से कम गंध मत पको। मुझे इतना गिराने की कोशिश मत करो टम, कि मैं अपने तमीज के दायरे में ना रहूं।